अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले। नमस्कार, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम लोग हैं समता सैनिक दल के कार्यालय के अंदर और यहाँ पे जो कार्य करते हैं बहुजन समाज पार्टी को जोड़ने का, बहुजन समाज के लोगों को जोड़ने का, भाईचारे का, सब में भाईचारा बनाए रखने के लिए समता सैनिक दल काम करती है। आज हमारे साथ उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उमेश सिंह गौतम जी। उमेश सिंह गौतम जी, पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत आपके लिए अभिनंदन, तमाम जितने भी आपके चैनल के साथी हैं जी। आज देश के अंदर पूरी जगह समता सैनिक दल के कार्यालय हैं, समता सैनिक दल कार्य करती है, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं जानते कि समता सैनिक दल, इसकी स्थापना कब हुई उसके बारे में बताएं हमें कि इसकी स्थापना कब हुई, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके बारे में बताएं। परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, संविधान बनाने से लगभग 25 साल पहले बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने 24 सितंबर 1924 में, जब यह अंग्रेजों का शासन होता था, पूरे भारत के लोग गुलाम थे और एक समाज ऐसा था जो गुलामों का गुलाम था, जानवर से भी बदतर जिंदगी थी, वो समाज था जो देश का निर्माण करता था, तमाम देश के सड़कों से लेकर खेतों से लेकर के जो उत्पादन का कार्य था यही समाज करता था, परंतु मान सम्मान के नाम पर पग पर इसको बेइज्जत किया जाता था और जानवर से भी बदतर जिंदगी थी। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं जब दुनिया भर से शिक्षा ग्रहण की, बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद में बाबा साहब भारत में आए थे, उन्होंने जब यहाँ अपने इस समाज को जगाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए और इनको जागरूक और अपने अधिकारों के प्रति सम्मानित करने के लिए आगे बढ़ाने का काम किया, तो लोगों ने, जो विषमतावादी लोग थे, जो नहीं चाहते थे कि ये मेहनत कर समाज को सम्मान मिले, वो बाबा साहब तक पर पत्थर मारते थे। तब बाबा साहब ने विचार किया, इस भारत के अंदर में ज्ञान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है शक्ति, और जिस समाज के पास, देश के पास शक्ति होती है, उस शक्ति के कारण से तमाम चीज़ें चलती हैं। तब बाबा साहब ने समता सिंधल नाम के एक संगठन ऐसा स्थापित किया जो ड्रेस कोड पर आधारित संगठन है, और 1924 से लेकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने जो संघर्ष किया, महाद के तालाब का संघर्ष आपकी दुनिया जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं कि महाद के उस तालाब पर 10,000 समता सिंधल के जवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ नहीं होते, विशेषकर महिलाएं सैनिकाएं नहीं होती, तो बाबा साहब को यहाँ के जातिवादी लोग, ब्राह्मणवादी लोग, जो हजारों हजारों साल से जुल्म करते आ रहे हैं और यहाँ पर प्रजातंत्र नाम की चीज़ नहीं थी, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश में जनता का राज, जनता के लिए और जनता के सम्मान के लिए लाना चाह रहे थे, उस वक्त में बाबा साहब ने यहाँ महाद के तालाब पर पानी पिलाया ज़रूर, पर बाबा साहब को जख्मी तक किया। एक MBA, PhD, DSC, LLD, D.Litt, वारेटलो, दुनिया का महान विद्वान, जो एक जनकल्याण के लिए कार्य करते हैं, गरीबों के लिए, मेहनतकश के लिए पानी पिलाते हैं, उनको पत्थर से मारा जाता है। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यह निश्चय किया कि इसकी जो जड़ है वो जातिवाद है, इसकी जो जड़ है वो मनुवाद है। तब बाबा साहब ने मनु स्मृति को भी आग के हवाले करने का काम किया था और उसमें भी समता सिंधल के 10,000-20,000 जवान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के साथ थे। इतना ही नहीं, बाबा साहब ने जब नासिक के मंदिर में प्रवेश करने का काम किया था 1929 के अंदर में, क्योंकि भारत में, इस देश के अंदर में मंदिरों के छोड़िए बात, जब गंदे तालाब से हाथ नहीं लगा सकता था जो यहाँ का मेहनत कश, जिसको कोई मतलब समाज का नाम ही नहीं था, इसका तो नाम ही बाबा साहब ने दिया अनुसूचित जाति, जब लंदन कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे, तो कुल मिलाकर के ये है, वहाँ बाबा साहब ने मंदिर प्रवेश का जब एक युद्ध छेड़ा, एक आंदोलन छेड़ा, वहाँ भी बाबा साहब को रोका गया, लगातार 3 दिन तक बाबा साहब अड़े रहे। अंत में बाबा साहब ने सोचा कि मंदिर के प्रवेश से मेरे समाज का भला होने वाला नहीं है, और बाबा साहब ने कहा कि मंदिरों ने कभी भी एक चपरासी तक नहीं बनाए, परंतु आप अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे, स्कूलों में भेजेंगे, तो मेरी तरह PhD करेंगे, LLD करेंगे, D.Litt करेंगे, बैरिस्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, टीचर बनेंगे। तब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, बहुत सारे सरकार बेशक अंग्रेजों की थी, पर अंग्रेजों की सरकार में भी बाबा साहब बॉम्बे के अंदर में वहाँ एक मेंबर हुए, और 42 के अंदर में भी वो श्रम मेंबर हुए, उन्होंने जो देश के मजदूर हैं उनके लिए जो कार्य किया, दुनिया में कोई नहीं कर सकता। आज 8 घंटे का कार्य जो आपको दिखाई पड़ता है हर मजदूर के लिए, बराबर का, महिला का, पुरुष का, जो बराबर का स्केल मिलता है,
और तमाम प्रकार के जो 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 मजदूरों से संबंधित कल्याणकारी काम थे बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में किए। तो ये समता सैंडल बाबा साहब का शुरू से लेकर के 1924 से लेकर के और आखिरी दम तक, जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का अंतिम दिन था 26 अलीपुर, बाबा साहब को जहाज से ले जाया गया बॉम्बे के लिए, और बॉम्बे का कोई ऐसा सड़क नहीं था जो भरा हुआ नहीं था लोगों से, करोड़ों की संख्या में लोग थे और वहाँ हजारों समता सैंडल के जवान उन लोगों की व्यवस्था में लगे हुए थे। इतना ही नहीं, 14 अक्टूबर को भी बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जब दुनिया में भगवान बुद्ध का संदेश, भगवान बुद्ध के विचार को ग्रहण करने के बाद में नागपुर की भूमि में करीबन 10 लाख लोगों को शिक्षा दे रहे थे, दीक्षा दे रहे थे बुद्ध के, और वो कह रहे थे कि संविधान बनाया ये बहुत अच्छी बात है, पर इससे बड़ा काम ये है कि बुद्ध के विचार को, बुद्ध के कल्चर को, बुद्ध के संस्कृति को मैं दुनिया में स्थापित कर रहा हूँ। आप अगर बुद्धिस्ट हो जाएंगे, बुद्ध के रास्ते पर चलेंगे, तो दुनिया के 87 देश कोई भी जुल्म अत्याचार होगा बुद्धिस्ट के नाम से तो आपके साथ खड़े हो जाएंगे, आप अनुसूचित बने रहेंगे, आप शेड्यूल कास्ट बने रहेंगे, आप दूसरे जातियों में बटे रहेंगे तो आपको कोई नहीं जानेगा। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध का जब रास्ता दिया, उस समय भी 50,000 समता सैंडल के जवान नागपुर में सेवा दे रहे थे, व्यवस्था कर रहे थे। इतना ही नहीं, लंदन कॉन्फ्रेंस के अंदर में जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भारत से गए थे, पहली कॉन्फ्रेंस में भारत से अकेले बाबा साहब गए थे, दूसरे नेता नहीं गए थे, क्योंकि दूसरे नेताओं ने बहिष्कार किया हुआ था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जानते थे कि जिस समाज में मैं पैदा हुआ हूँ वो समाज लंदन से, वहाँ के देश के लोगों से कहीं ज़्यादा संख्या में भारत में रहता है। और ये कहा भी था बाबा साहब ने लंदन कॉन्फ्रेंस के अंदर में, जो रैमजे मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में सभा चल रही थी, वहाँ बाबा साहब ने कहा था, अंग्रेजों से कहा था कहते हुए कि आपने 200 साल तक भारत में शासन किया, मुझे बताइए आपसे पहले भी मेरा व्यक्ति, मेरा समाज कुएं से पानी नहीं ले सकता था, सार्वजनिक स्थल पर जा नहीं सकता था, किसी धर्मशाला में बैठ नहीं सकता था, तो आज आपके होते हुए 200 साल के बाद भी तो यही स्थिति है। जब 200 साल के बाद आप कोई परिवर्तन नहीं कर सके तो हम आपके साथ क्यों रहें, इसलिए मुझे भारत की आज़ादी चाहिए और भारत की आज़ादी से पहले मुझे उस समाज की आज़ादी चाहिए जो आपके लंदन से कई गुना ज़्यादा संख्या है और भारत की 1/4 संख्या के बराबर मेरा समाज है, उसको भी मानवता के आधार पर तमाम प्रकार के अधिकार चाहिए। और वो अधिकार बाबा साहब ने लंदन कॉन्फ्रेंस में, पहली कॉन्फ्रेंस में ले लिए थे। उस समय समता सैंडल के हजारों जवान बाबा साहब को पानी के जहाज में विदा करने के लिए आए थे, एक एक रुपये से बाबा साहब के लिए लाखों रुपये का योगदान समता सैंडल के जवानों ने किया था। और ये व्याख्यान बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के साथ में, जो उन्हीं के साथी थे आगा खान नाम के जो नेता थे, मुस्लिम नेता थे, बाबा साहब से कई बार कह रहे थे वो भी कि बाबा साहब आज देश में जो आपका अपना समता सैंडल है, जितने ताकत में है, जितना अनुशासन में है, भारत में दूसरी संस्था नहीं है किसी भी कीमत में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के जीते जी समता सैंडल भारत में बहुत ताकतवर था, समता के लिए, भाईचारे के लिए, न्याय के लिए, लोकतंत्र के लिए। ये जो आज दुनिया के अंदर में लोकतंत्र कायम है, ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के कारण से है। भारतीय संविधान के अंदर में जो प्रावधान है मानवीय कल्याण के, अभी हमने ये तय किया है कि समता सैंडल पूरे भारत के अंदर में जो धन है, धरती है, उद्योग हैं, और जो यहाँ के शिक्षा और स्वास्थ्य के संस्थान हैं, उनका राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। क्यों रहे धन्ना सेठों पर ये संपत्ति, क्यों रहे चंद लोगों के हाथ पूरे भारत की संपदा, भारत की संपदा भारत के लोगों के पास रहनी चाहिए, लोकतंत्र इसी बात का नाम है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो 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 भारत का संविधान में जो प्रस्तावना दी हुई है, समता, स्वतंत्रता, न्याय पर आधारित, जाति विहीन, वर्ग विहीन समाज की स्थापना जब तक भारत में नहीं होगी, जब तक लोकतंत्र कायम नहीं होगा किसी भी कीमत में, इसलिए भारत से जाति को मिटाना और भारत में समता लाना समता सैंडल का मकसद है। और पूरे देश के अंदर में तमाम संपदा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, इन टाटा बिरला की औलादों पर ये जो अंकुश लगना चाहिए, यहाँ चपरासी का बेटा हो या हो राष्ट्रपति का, वो सरकारी स्कूलों में पढ़ना चाहिए, सरकारी जितने भी संस्थान हैं वहाँ एजुकेशन लेनी चाहिए, तो अपने आप इस देश का कल्याण होगा। हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, बुद्ध के ज़माने में नालंदा यूनिवर्सिटी यही भारत में थी, जो दुनिया के देश के लोग वेंसांग जैसे चाइना से लेकर के दूसरे देशों के लोग बड़े बड़े विद्वान भारत से बने, वो बौद्ध कल्चर था, वो बुद्ध का विचार था। इतना ही नहीं, तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो आज पाकिस्तान के क्षेत्र में है, वहाँ से दुनिया के लोगों ने ज्ञान हासिल किया। तो भगवान बुद्ध का जो विचार है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है, स्थापित किया है पूरे दुनिया के अंदर में, आज जो 87 देश बुद्ध को जो मान रहे हैं,
आप चले जाइए जापान में, इस देश का प्रधानमंत्री मोदी जी जब बाहर जाते हैं जापान तो वो लक्ष्मण की, राम की या किसी देवी देवता की मूर्ति लेके नहीं जाते, लक्ष्मी की, वो लेके जाते हैं भगवान तथागत बुद्ध की, और उसके बदले में जापान अरबों खरबों दौलत देता है भारत के लिए। ये जितना भी मेट्रो घूमता है पूरे देश के अंदर में, वो बुद्ध की देन है, बुद्ध की देन है, वो जापान की देन है। तो इसलिए बाबा साहब का जो आदेश निर्देश है समता सैनिक दल के लिए, क्योंकि उनके द्वारा स्थापित है, उन्होंने बनाया है, केवल समता सैनिक दल ही नहीं भारतीय बौद्ध महासभा बुद्ध के विचार को फैलाने के लिए, और ये जो स्थल है, जो राष्ट्रीय हमारे दल का कार्यालय है समता सैनिक दल का, वह भी बाबा साहब के कर कमलों से स्थापित हुआ। उन्होंने ही इसको एक एक पैसे से लेकर के इस जमीन को स्थापित किया, खरीदा, और आज देखिए ये समता सैनिक दल का कार्यालय है। दीक्षा भूमि पर जाएंगे वहाँ भी समता सैनिक दल का आपका ट्रेनिंग कार्यालय है, बम्बई में जाएंगे वहाँ भी आप समता सैनिक दल। कितने प्रदेशों के अंदर समता सैनिक दल के कार्यालय हैं वो बताएं। समता सैनिक दल का 24 स्टेटों के अंदर में कार्यालय है, 24 स्टेटों के अध्यक्ष हैं, वहाँ की बॉडियां हैं जी। आप एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो किस तरीके से इतने बड़े नेटवर्क को मैनेज करते हैं वो बताएं। आज के समय में तो आपको पता है, जिस समय बाबा साहब थे ना किसी प्रकार के अखबार थे, कोई मीडिया का तंत्र नहीं था, आज तो बहुत सुविधा है। आज तो एक ऐसा व्यक्ति, सच बता दूं मैं, ये जो जातिवादी ब्राह्मणवादी लोग हैं, ये कोई ताकत के बल पर नहीं, ये पाखंड के बल पर, चतुराई के बल पर, और ख़ास तौर से ये जो बेवकूफ़ बना करके करते हैं, तीन आदमी बैठ जाते हैं, दुनिया में फैला देते हैं अपनी बात को, अगर पत्थर भी डालते हैं रास्ते में, ये बस गजब का काम है, उसका प्रचार कर देते हैं। हमारे यहाँ प्रचार तंत्र नहीं है, मीडिया का तंत्र नहीं है। आज भी आप टीवी को खोलिए, टीवी के जितने भी चैनल हैं तमाम पाखंड मिलेगा, दूसरा खोलिए वहाँ पाखंड मिलेगा, वो आपको कहते मिलेंगे कि आप लोग खीर खाइए और टीवी के मरीज से ठीक हो जाएंगे आप। ये तमाम प्रकार का पाखंड इसलिए फैलाते हैं जिससे कि भारत के मेहनत का जनता पाखंड में रहे। आपने कभी नहीं सुना होगा किसी भी ये ऊंचे वर्ग के जो लोग अपने आप को बनते हैं, ये क्यों नहीं प्राइवेट सरकारी संस्थानों में पढ़ाने का काम करते अपने बच्चों का? क्योंकि उनके पास दौलत जो ली गई है, जैसे अभी आपने देखा करो अरबों की दौलत ले लेके भाग रहे हैं लोग, मोदी के जमाने में मोदी के लोग लेके जा रहे हैं। सच बात तो यह है, इस देश का गरीब समाज आज भी, जिनके पैरों में चप्पल नहीं है, जिनके रहने को स्थान नहीं है, चाहे वो बहन मायावती के साथ हो, चाहे दूसरे किसी नेता के साथ हो, चाहे किसी संस्थाओं के साथ हैं, वही लोग सड़क पर आ रहे हैं। अभी आपने पिछले साल में 2 अप्रैल को देखा होगा सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ में बहाना ले लिया साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, जबकि सबसे बड़ी सुप्रीम तो जनता है, उसी जनता ने, कोई नेता नहीं था उसमें, कोई उसमें पॉलिटिशियन नहीं था, कोई उसमें राजनीतिक पार्टी नहीं थी, परंतु देश का गांव से लेकर के पार्लियामेंट तक चक्का जाम कर दिया पूरे भारत का। ये होता है जनमत, ये होती है जनता की ताकत, हम उसी जनता की ताकत पर समता सैनिक को स्थापित करना चाह रहे हैं। और आज 24 स्टेटों में तो दल है ही है, आपने सुना होगा ये जो 26 अलीपुर है, जो बाबा साहब का निवास है, वह भी देवगौड़ा के जमाने में समता सैनिक ने अपने संघर्ष के बल पर स्थापित कराने का काम किया था। और इतना ही नहीं, जो दिल्ली की विधानसभा में बाबा साहब की प्रतिमा है, वो भी समता सैनिक के संघर्ष के बल पर ही आज आप प्रतिमा देखते हैं, वो उसका फल है। और ये जो संसद में बाबा साहब की प्रतिमा घूमती है पूरे दुनिया में, दिखाई पड़ती है, वो भी 1966 में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के शेरों के बल पर बनी थी, और 6 लाख लोग जेल में गए थे उस वक्त में, ये उसी का देन है। तो बाबा साहब के मानने वाले लोग सच्चे ईमानदार बहुत ताकतवर होते हैं। जैसे एक जो दीपक होता है उजाला देने वाला, वो बेशक छोटा होता है, परंतु कई हजार लाखों गुना अंधियारे को दूर करने में सक्षम होता है। तो समता सैनिक के जो शेर हैं, ईमानदार हैं, सच्चे हैं, आपने अभी पार्लियामेंट में देखा होगा 14 अप्रैल को पूरी शासनिक प्रणाली ने, पूरे 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 भारत के जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है, वो घबरा गई पूरे तरीके से, क्योंकि लाखों जनता थी हमारे भाई बहन बंधु जो पार्लियामेंट में श्रद्धांजलि देने जा रहे थे, पूरा मंच हमारे हवाले कर दिया, हमारे को समर्पित कर दिया। क्या कारण है कि उमेश जी, जो भी जहाँ भी बहुजन समाज के कार्य होते हैं वहाँ पे अनुशासन के लिए समता सैनिक दल को बुलाया जाता है और अपनी तरफ से बड़े रिलैक्स हो जाते हैं, वहाँ के प्रशासन के ऊपर लोगों को भरोसा नहीं होता, जहाँ समता सैनिक दल पहुँच जाता है लोगों का भरोसा एकदम से अपने आप में बन जाता है, क्या विशेष कारण है इसका? इसका विशेष कारण ये है कि जिस विचार और जिस भावनाओं से समता सैनिक दल के जवान निर्मित होते हैं, संस्कारित होते हैं, वो किसी पेड वर्कर की तरह नहीं होते, वो अपने स्वयं की प्रेरणा से चलते हैं, जो भगवान बुद्ध ने कहा अत दीपो भव, अपना दीपक अपने आप बनकर चलते हैं। अनुशासन को तो आज की बात नहीं, बुद्ध के जमाने से लेकर के आज तक
इस समाज का कहीं भी आप ऐसे इस विचार के मानने वाले लोगों का कोई समूह कोई घटना ऐसी नहीं बता सकते जहां अनुशासन में कमी रही हो। सच्चाई ये है जहां ईमानदारी और अनुशासन भी होता है, और जहां भी ईमानदारी नहीं है वो अनुशासन नहीं हो सकता। आपने देखा होगा चोर ताकतवर तो हो सकता है परंतु लंबे समय तक नहीं चल सकता किसी भी कीमत में, क्योंकि चोर और लुटेरे जो होते हैं उनमें लालच होता है, और जहां लालची प्रवृत्ति होती है उनमें अनुशासन किसी भी कीमत में नहीं हो सकता। तो इस देश के अंदर में जो ब्राह्मणी कल्चर है, जो जातिवादी कल्चर है, वो बेईमानी कल्चर है। बेईमान व्यक्ति को नहीं, पूरे सिस्टम को बेईमान बता रहा हूँ एज ए प्रेसिडेंट ऑफ द समता सेन दल। अगर ये सिस्टम बेईमान नहीं होता तो हजारों साल तक ये जो मेहनत कश लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, देश की महिलाएं हैं, 85% समाज जुल्म के कगार पर नहीं होता किसी भी कीमत में। और जो जो कबीर साहब ने, जो जो महात्मा फुले जी ने, जो जो बाबा साहब और बुद्ध जैसे महान पुरुषों ने, एकलव्य जैसे लोगों ने संघर्ष किया इस देश के अंदर में, अकेले ने बता दिया दुनिया को क्या सच्चाई ईमानदारी की ये ताकत होती है। उमेश जी, समाज को जोड़ने के लिए अपना समता सैनिक दल क्या कार्य कर रहा है उसके बारे में बताएं। इसमें सबसे पहला काम है, बहुत आसान कार्य है समता सैनिक दल का, जहाँ व्यक्ति रहता है अपने सेहत को स्वस्थ करने के लिए, अपने को मानसिक रूप से समृद्ध करने के लिए, अपने को हेल्थ के प्रति अच्छा बनाने के लिए सुबह उठते हैं और कहीं भी पड़ोस में शाखा जो समता संदल की लगती है बाबा साहब के ही द्वारा निर्देशित सिद्धांतों के आधार पर, तो शाखा लगाते हैं सुबह सुबह, क्योंकि जो व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ आराम से जा सकता है। 10 साथी अगल बगल में रहते हैं इकट्ठे हुए, वहाँ से शाखा लग गई, और हमारे 5 लाख गाँव में इसी तरीके से लोग खड़े हो गए गाँव गाँव के अंदर में, तो 10 लाख नहीं आपके 50 लाख जवान खड़े हो जाएंगे बहुत आसान तरीके से। ना हमने हैंडबिल छपवाने, ना पोस्टर छपवाने, ना कोई किसी प्रकार का कहीं से भी संसाधन ढूंढना, ये एक सिद्धांत है समता संदल का। इतना ही नहीं, उस शाखा से जुड़े हुए जिले के अध्यक्ष, जिले के हमारे तमाम एग्जीक्यूटिव बॉडी के लोग, क्षेत्र की बॉडी के लोग, प्रदेश के एग्जीक्यूटिव बॉडी के लोग, इसी प्रकार राष्ट्र की जो टीम है उसके लोग, इन तमाम लोगों में भी विभिन्न क्वालिटी के साथी विभिन्न पदों पर मीन्स विभिन्न दायित्व लिए हुए होते हैं, और वो अपने अपने क्षेत्र में काम करते हैं। जो शिक्षा का क्षेत्र है उसमें हमारे पंकज जी हैं यहाँ पर आपके सामने जो प्रिंसिपल हैं, और बहुत सारे हमारे प्रिंसिपल हैं, कोई डायरेक्टर। समता सैनिक दल से अगर कोई व्यक्ति विशेष जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रक्रिया होती है उसके बारे में बताएं। उसमें सीधी सी बात है, वो बाबा साहब में विश्वास करने वाला होना चाहिए, बाबा साहब के विचारों को मानने वाला होना चाहिए, और भारतीय संविधान में उसका विश्वास होना चाहिए। उसका चरित्र भी ठीक नहीं होना चाहिए, चरित्र ठीक भी नहीं है तो उस रस्सी की तरीका से, रस्सी कमज़ोर तो होती है परंतु लगातार जब पत्थर पर चलाई जाती है तो पत्थर को काट देती है। हम ऐसे बुरे को भी अच्छा बनाने में सक्षम हैं समता संदल के लोग, तो हम तो गुण के आधार पर वहाँ अपने दल के साथियों को लेते हैं, प्रवेश कराते हैं, और उसमें विचार भावनाओं के कंडीशन होती है, शराबी वगैरह ना हो, कोई ऐसा ना हो जिस पर किसी प्रकार का आपराधिक कोर्ट के द्वारा कोई दंडित किया हुआ अपराध है, ऐसे कुछ मामले ना हो। जी, समता सैनिक दल के आगामी क्या योजना है समाज को देश को जोड़ने के लिए वो बताएं। समता सैनिक दल की योजनाएं प्रतिदिन की भी हैं, प्रत्येक सप्ताह की भी हैं, प्रत्येक महीने की भी हैं, और प्रत्येक साल की भी है, और लंबे समय की भी है। लंबे समय का आंदोलन है, इस देश से जातिवाद को खत्म करना है। ये बुद्ध के जमाने में भी था, बाबा साहब के समय में भी था, आज भी है, और शायद और भी बहुत लंबे समय तक रहेगा। इसलिए ये लंबा युद्ध लड़ना है हमने, और इसके लिए जन जागृति लाना, लोग आ रहे हैं बहुत मजबूती से आ रहे हैं लोग निकल करके, और अब तो बेहतरीन बात यह है ना लोग सरकार की परवाह कर रहे, ना किसी मंत्री की परवाह कर रहे, क्योंकि लोग ज़्यादातर सिद्धांतों से जुड़कर चल रहे हैं। जी, आप थे हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष उमेश सिंह गौतम जी, जो आज बहुजन समाज को जान देने का काम कर रहे हैं, उसमें एनर्जी देने का काम कर रहे हैं, बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, और समता सैनिक दल जहाँ अपने आप में उपस्थित होता है वहाँ बहुजन समाज के लोगों को अपने आप को सेफ्टी सिक्योरिटी का आभास भी होता है। हमारे चैनल को आपने अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुँच सकें आप पे सबसे पहले।